नमस्कार दोस्तों, पहले तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मेरे कंटेंट को प्यार दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आगे भी इस तरह मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आप लोगों का मनोरंजन कर सकूँ। थंबनेल से आपको पता ही होगा कि आज का वीडियो मिथुनदा के अनसुने 10 किस्से को लेकर है, जो सुनके शायद आप भी महसूस करेंगे कि कभी भी किसी को उसके वर्तमान के हालात से विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान है रे भैया, समय बड़ा बलवान। शुरू करने से पहले जो दर्शक पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करके हमारे हौसले को बढ़ाइएगा, ताकि मैं बार बार आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। और कुछ भी अगर आप लोगों को कहना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका एक कमेंट हमारे लिए आगे बढ़ने का प्रेरणा है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 अनसुने किस्से मिथुनदा के का दूसरा भाग। ये जो 10 किस्से मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें चार चीजें कॉमन है। पहला मिथुनदा, दूसरा मिथुनदा का वो वक्त जब मिथुनदा सुपरस्टार तो दूर, स्टारडम से भी मीलों दूर थे। तीसरा वो वक्त जब मिथुनदा हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। और चौथा, इन 10 किस्से में आपको कोई ना कोई बड़ी हस्ती का जिक्र जरूर मिलेगा, जैसे ऋषि कपूर, जितेंद्र, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, फिरोज खान, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, राजीव गांधी, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। इन किस्सों से एक सीख तो और मिलेगी कि वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है। पहले एपिसोड में ऋषि कपूर और जितेंद्र जी का किस्सा हम सुन चुके हैं, अभी शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग किसी और किस्से के साथ। ये किस्सा है एक फिल्म की, जो फिल्म रिलीज हुई थी 1989 में, जिसका नाम था गलियों का बादशाह, जिसे डायरेक्ट किए थे शेर जंग सिंह ने। लेकिन जिस किस्से का जिक्र मैं आप लोगों के साथ करूंगा, वो किस्सा इस फिल्म के रिलीज से कई साल पहले की है। ये फिल्म जब शुरू हुआ था, तब मिथुन चक्रवर्ती एक छोटे से कैरेक्टर के लिए इस फिल्म में साइन किए गए थे, और इस फिल्म का मेन लीड एक्टर थे राजकुमार। तो उस दौरान जब इस फिल्म का शूटिंग हो रहा था, तो मिथुन चक्रवर्ती अपने टाइम से पहले ही सेट पे पहुंच गए थे और शूटिंग का इंतजार करने लगे थे। तो राजकुमार पहुंचे सेट पर, मिथुन चक्रवर्ती को देखे, डायरेक्टर को बुलाए और बोले, किसी भी औने बौने को तुम कैरेक्टर दे देते हो, माना कि ये रोल छोटा है, लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर के लिए तुम्हें कोई स्टार लेना चाहिए था। स्ट्रगलर्स को मेरे साथ काम करा के मेरा नाम खराब कर रहे हो। मिथुनदा ये बात सुने चुप रहे कुछ देर, लेकिन फिर कहे कि माना कि आज मैं स्ट्रगलर हूं, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं भी स्टार बनूंगा। राजकुमार ये बात सुने और हंस पड़े, क्योंकि उनको लगता था कि मिथुनदा भी उन्हीं स्ट्रगलरों में से एक हैं, जो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे। समय बदला, कुछ साल गुजर गए, फाइनेंस के कारण ये फिल्म बंद पड़ी थी। उसके बाद जैसे तैसे ये फिल्म कंप्लीट हुआ। जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए इस फिल्म को बेचने के लिए, तब राजकुमार को हीरो देखकर ये फिल्म बिक नहीं रही थी, क्योंकि उस वक्त राजकुमार का वक्त चला गया था, वो बूढ़े हो गए थे, और दर्शक एज ए लीड एक्टर राजकुमार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये फिल्म पूरी कंप्लीट होने के बाद भी बिक नहीं रही थी। तो इसी दौरान इस फिल्म के प्रोड्यूसर को एक आइडिया सूझा, क्योंकि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती है, जो उस समय सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि
इस फिल्म को बेचने के लिए मिथुन चक्रवर्ती को पोस्टर में आगे और राजकुमार को अगर पीछे करे तो कैसा हो। तो उन्होंने जो पोस्टर बनाए उस पोस्टर में मिथुन चक्रवर्ती को आगे किए थे और राजकुमार जी एज ए लीड एक्टर होने के बाद भी कर दिए थे उनको पीछे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पोस्टर बनते ही फिल्म हाथों हाथ बिक गई और सालों से बंद हुई फिल्म रिलीज भी हो गई। हालांकि बाद में जाकर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन राजकुमार को कम से कम ये तो समझ आ गया ही होगा कि समय बड़ा बलवान है रे भैया, समय बड़ा बलवान। अब ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये किस्सा है 1975 में रिलीज हुई फिल्म दो जासूस की, जिसके निर्माता और निर्देशक थे राजेंद्र कुमार के छोटे भाई नरेश कुमार, और जिसमें एज ए लीड एक्टर काम कर रहे थे राज कपूर और राजेंद्र कुमार खुद। एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। शहर से दूर एक जगह में शूटिंग शेड्यूल रखा गया था। मिथुन चक्रवर्ती समय के अनुसार शूटिंग के दिन वहां पहुंच गए थे, लेकिन शूटिंग हो नहीं पाया था क्योंकि वहां बहुत जोरों का बारिश हो रहा था। दूसरे दिन भी बारिश लगातार चलता रहा, जिस कारण फिल्म का शूटिंग बंद हो पड़ा। तो राजेंद्र कुमार को लगा कि यह फिल्म तो बहुत अच्छी तरीके से शूट हो रहा था, लेकिन यह लड़का आने के बाद से शूटिंग का काम बंद हो गया, तो यह लड़का जरूर पनौती होगा। तो इसलिए उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को उस फिल्म से निकाल दिया। प्रोडक्शन टीम ने मिथुन चक्रवर्ती को बस भाड़ा देकर लौटने को कह दिया। मिथुन चक्रवर्ती को कुछ समझ नहीं आया, उनका दिल टूट गया। मन मार के वो लौट आए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला उन्हें मनहूस समझकर फिल्म से निकाला गया है, और जिसने निकाला है वो है खुद राजेंद्र कुमार। वक्त बदला, राजेंद्र कुमार बहुत परेशान थे अपने बेटे की करियर को लेकर। वो चाह रहे थे किसी भी तरीके से अपने बेटे को एक लंबी करियर दे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि वो एक फिल्म बनाएंगे जिसका नाम होगा फूल, और उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती काम करेंगे और साथ में कुमार गौरव, ताकि कुमार गौरव मिथुन चक्रवर्ती के कंधे पर चढ़कर अपने करियर का नौका पार कर सके। तो यही सोच लेकर राजेंद्र कुमार मिथुन चक्रवर्ती के पास गए और उनको फिल्म ऑफर की। मिथुन द मुस्कुराते हुए और मन ही मन उस वक्त को याद करते हुए राजेंद्र कुमार को बड़े ही सराफत से कहा कि आजकल खुशकिस्मत वालों के साथ बदकिस्मत वाले काम करना आप शगुन मानते हैं, और ये कहकर उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और आगे जाकर वो फिल्म भी बुरी तरीके से पिट गई। तो शायद अब तक राजेंद्र कुमार जी को समझ आ गया ही होगा कि समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मिथुन दा की मुस्कुराहट पर लिखा हुआ एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। आपकी मुस्कान ही आपकी पाक रूह की पहचान कराती है, आपकी मुस्कान ही आपकी पाक रूह की पहचान कराती है। ऐसे तो हंसते सब है, ऐसे तो हंसते सब है, पर आपकी मुस्कान दिल को ठंडक पहुंचाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं ला सकूं। और बहुत ही जल्द इसका तीसरा भाग लेकर आपके सामने आने वाला हूं। तब तक आज्ञा दीजिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। धन्यवाद।